Hello people, my name is Jigar Shukla and today we are going to continue the chapter Periodic Classification of Elements, which we have already discussed the history, and today we will be continuing with trends in modern periodic table. मतलब कि किस तरह से modern periodic table में अगर हम लोग एक ही room है left से right की तरफ जाएंगे तो उनकी chemical properties में क्या changes होंगे, या फिर एक ही कॉलम में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस होंगे। तो चलिए फिर टॉपिक को शुरू करते हैं हम लोग। इसके लिए मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। ये एटम मैग्नीशियम का है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका, और इसके साइड में क्लोरीन का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। जो मैग्नीशियम है उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर है, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको, और जो क्लोरीन है उसकी जो पोजीशन है वो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर है। देखिए ये सेम ही रो में है, थर्ड रो में है, मतलब इनके तीन शेल होने चाहिए। चेक कर लेते हैं तीन शेल है कि नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपके सामने है, देख लीजिए, एक दो तीन, और यहाँ पर भी इसके तीन शेल हैं, एक दो तीन। बट फिर भी सेम रो में होने के बाद भी, इनमें तीन शेल्स होने के बाद भी, ये बोल रहा है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, यानी कि अगर हम मैग्नीशियम से क्लोरीन की तरफ बढ़ेंगे एक ही पीरियड में, तो इसका जो एटॉमिक रेडियस है, ये जो पहला पॉइंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो डिक्रीज होता है, ऐसा बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम का एटम थोड़ा बड़ा लग रहा है, क्लोरीन का छोटा लग रहा है, बात तो सही बोल रहा है वो, चलो सही बात है। दूसरा चेक करता है, दूसरा ट्रेंड है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। हाँ पता है हमको मैग्नीशियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, और जैसे हम लोग इधर से इधर जाते हैं तो पहले यहाँ पे सारे मेटल्स हैं, फिर ये सीढ़ी के इधर तक सब मेटल्स होते हैं, सीढ़ी के अंदर मेटालॉइड होते हैं, फिर नॉन मेटल शुरू होता है। तो ये भी बात सही बोल रहा है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या है पहले ये समझ लेते हैं, बाद में हम ट्रेंड्स को कंटिन्यू करेंगे फिर से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना नहीं चाहता, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, वो लूज नहीं करेगा। और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देगा, उसको इलेक्ट्रॉन्स को ऐसा पकड़ के नहीं रखना, उसको प्यार नहीं इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जब मैं बोलता हूँ तो मैं मेटल की ही बात कर रहा हूँ, और जब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलता हूँ तो मैं नॉन मेटल की ही बात करता हूँ। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोला मतलब नॉन मेटल के बारे में बात हो रही है, अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोला तो मेटल के बारे में बात हो रही है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज मेटल्स आर डिफाइंड बाय देयर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल आर डिफाइंड बाय देयर एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों चीज़ें एक ही है, ठीक है। चलिए तो वापस हम ट्रेंड्स पर आते हैं और बात करते हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आपका जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है इंक्रीज होंगे, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा एलिमेंट, और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, यानी सेम ही बात है। यानी अगर हम देखें तो सेकेंड और थर्ड पॉइंट खाली बोलने के तरीके अलग हैं, ये बात तो एक ही बोल रहा है कि भाई लेफ्ट में मेटल होंगे राइट में नॉन मेटल होंगे, ये दोनों का अगर हम थोड़ा सा इनको कंबाइन कर दें तो। अब ऐसा क्यों होता है वो पहले हमको जानना है। ट्रेंड तो समझ में आ गए कि चलो ऐसा होता है, पर क्यों होता है? रीजन एक ही है, वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। अब ये क्या है जरा इसके बारे में समझते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स क्या है। इसके सेंटर में देखिए मैग्नीशियम जो हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, तो इसके न्यूक्लियस में जो है वो 12 प्लस चार्जेस हैं, यानी कि 12 प्रोटॉन्स हैं। इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका मतलब इसके सेंटर में 12 प्रोटॉन्स हैं, और इसके जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का वो भी आपको देखने को मिल रहा है, और ये सारे के सारे 12 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, मतलब अगर 12 प्रोटॉन्स है तो 12 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो फोर्स है वो कंपैरेटिवली क्लोरीन के मुकाबले कम होगा, क्योंकि क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है, और ऑब्वियसली हमने यहाँ पर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से इनको अरेंज किया है। तो जो राइट में जो एलिमेंट होगा उसके सेंटर में हमेशा लेफ्ट वाले से प्रोटॉन्स ज़्यादा ही होंगे, तो ये बात हमको समझ में आई। तो इससे क्या होता है, अगर प्रोटॉन ज़्यादा है तो क्या होगा? देखो अगर प्लस चार्ज ज़्यादा है मतलब इसके पास में पावर ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ये ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स पर,
तो जब ये ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी टाइटली पैक्ड, तो इस वजह से एटम छोटा होता है। और इसी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन्स टाइटली पैक्ड है तो ये जल्दी लूज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर देखो, इसका जो चार्ज है वो 12 ही है, तो यहाँ पर इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स होगा अपने इलेक्ट्रॉन्स पर, वो इसके कंपैरिजन में, यानी कि क्लोरीन के कंपैरिजन में कम होगा। तो इस वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज करेगा। और हमने अभी अभी पढ़ा कि जो भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज करता है, हम उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं या मेटल बोलते हैं। और ऐसे एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करना चाहता है, हम उसको इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं या नॉन मेटल बोलते हैं। तो इसीलिए क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है और जो मैग्नीशियम है वो एक मेटल है। चलिए, ये तो ट्रेंड हमको समझ में आया कि लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो क्या होगा। अभी हम देखते हैं कि अगर हम अपसाइड डाउन आए, यानी कि एक ही ग्रुप में, जैसे यहाँ पर कोई भी एक ही ग्रुप ले ले हम लोग, जैसे मैं सेकंड ग्रुप लेता हूँ, तो यहाँ पर मैग्नीशियम और उसके नीचे अगर कोई भी मैं एलिमेंट ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर कैल्शियम ले रहा हूँ, यहाँ पे अभी आपको कैल्शियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट भी किया है, आप देखते रहिए, इसकी पोजीशन है, ये कैल्शियम की पोजीशन है जो नीचे मैंने हाईलाइट किया, वो यहाँ पे ये देख लीजिए, जस्ट मैग्नीशियम के नीचे। तो अब अगर हम एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे आए तो क्या होगा, तो उसके लिए भी तीन ट्रेंड चेक करते हैं। इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस बोल रहे हैं, यानी एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा, यानी एटम का साइज बड़ा होगा। हाँ, वो तो होगा ना, क्योंकि देखो रो चेंज हो जाते हैं यहाँ पर, जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं रो नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। रो नंबर इंक्रीज होगा मतलब नया शेल ऐड होगा, यानी ये थर्ड रो में था तो इसमें तीन शेल थे, यहाँ पर चार शेल हो गए, तो ऑब्वियसली इंक्रीज होएगा इसका साइज। तो ये तो चलो समझ में आ गया, इजी चीज था। तो वेन एवर वी कम डाउन इन टू द सेम ग्रुप, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस और रेडियस इंक्रीजेस बिकॉज न्यू शेल्स आर एडेड, वेरी सिंपल। चलो ठीक है, फिर बोल रहा है कि दैट डिक्रीजिंग इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, यानी कि ऊपर वाले जो एलिमेंट रहेंगे वो ज़्यादा नॉन मेटल रहेंगे, जैसे जैसे नीचे आएंगे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। ऐसा क्यों होगा वो हम अभी देखेंगे। थर्ड ट्रेंड चेक करता है दैट इंक्रीजिंग इलेक्ट्रो पॉजिटिव, अब मैंने बोला इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी मतलब मेटालिक कैरेक्टर की ही बात कर रहा है, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो वही मतलब फिर से सेकंड और थर्ड पॉइंट यहाँ पर एक ही है कि भाई तुम ऊपर जाओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे, नीचे आओगे एक ही ग्रुप में तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। चलिए देखते हैं तो अभी ऐसा क्यों होता है। देखो जो वेलेंस वेलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, हम यहाँ पर मैग्नीशियम ले रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे मैग्नीशियम है और कैल्शियम जो उसके जस्ट नीचे है, इनके एटॉमिक नंबर चेक करते हैं, और इनके सॉरी इनके हम शेल्स चेक करेंगे, नंबर ऑफ शेल्स चेक करेंगे। इसमें तीन ही है, यानी जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो मैग्नीशियम का कम है, लेकिन इसके चार शेल हैं, 1 2 3 4। तो इसका जो वेलेंस शेल है, वेलेंस शेल क्या होता है, वेलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल मतलब जिसके अंदर जो सबसे बाहर की तरफ है, ये जो यहाँ पे जो सबसे बाहर की तरफ है, तो इसका डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से ज्यादा है मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। यानी हम जैसे ही किसी ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं, जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वेलेंस शेल जो होती है, उसका डिस्टेंस इंक्रीज होते जाता है। अब हमको पता है कि जब भी जो फोर्स है, अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। तो कैल्शियम के केस में जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो होगा वो कम होगा, इस वजह से कैल्शियम अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो इसी वजह से कैल्शियम इज मोर मेटालिक देन मैग्नीशियम। तो हमको समझा कि हम जैसे ही ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे तो इसके मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, बिकॉज न्यूक्लियस से इसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स कम है, और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा यानी हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। तो ये टॉपिक में इतना ही है जो थियोरी हमने पढ़ा, बाकी का प्रैक्टिकल पार्ट है जो मैंने बोला कि हम लोग क्लास में ही करेंगे। तो आई होप कि आपको ये जो मैंने अभी समझाया वो समझ में आया, और अगर नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप करिए। थैंक यू वेरी मच, और आपका जो वीडियो है वो भी ख़त्म होता है, उसी के साथ ही चैप्टर भी ख़त्म होता है।